गुड मॉर्निंग गाइस, अब आप ये कहोगे गुड मॉर्निंग किस बात की, आज सुबह सुबह मैं काम पर लग गया हूँ, और जब सुबह सुबह काम पर लगाऊँ तो सीधी सी बात है गुड मॉर्निंग होती है, तो अगेन गुड मॉर्निंग। और आज मैं आपको राइटिंग सेक्शन में कुछ बताने जा रहा हूँ। राइटिंग सेक्शन जिसमें आप नोटिस लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, स्पीच लिखते हैं। तो अभी अर्लियर वीडियोज़ में मैंने आपको नोटिस के बारे में बताया था और मैंने आपको रिपोर्ट भी बताई थी। अब आज मैं एडवर्टाइजमेंट के बारे में आपको बता रहा हूँ कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। एक्चुअली जब कोई क्वेश्चन दिया होता है उसमें राइटिंग सेक्शन में, तो एडवर्टाइजमेंट और नोटिस में से आपको एक ऑप्शन दिया होता है कि आप कोई सा एक कर सकते हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, और करना भी चाहिए, मैं भी प्रीफर करूँगा उसको, कि यदि ऐसा आता है कोई एक करने की छूट हो आपको, तो आप एडवर्टाइजमेंट को ही सेलेक्ट करें। क्यों? सबसे बड़ी बात है कि इसमें देयर इज नो चांस ऑफ एरर ऑफ ग्रामेटिकल वर्ड्स, ग्रामेटिकल टेक्निक का, ग्रामेटिकल कोई भी चांस नहीं है गलती करने का। क्यों? क्योंकि इसमें सेंटेंस पूरा लिखा ही नहीं जाता है। इसलिए यदि नोटिस और एडवर्टाइजमेंट से कोई एक सेलेक्ट करना पड़े, एक ऑफर करना पड़े, एक चूज करना पड़े, तो क्या करना है हमको? एडवर्टाइजमेंट तो मैं तो यही प्रीफर करूंगा, बाकी एज यू विश। तो अब आज जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको वो क्या है, वो है सिचुएशन वेकेंट। हाँ, कोई कंपनी है, कोई भी कोई ऑफिस है जिसको किसी कर्मचारी की आवश्यकता है, हाँ, तो उसके लिए क्या होता है, सिचुएशन वेकेंट एक एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एडवर्टाइजमेंट कम से कम जो उसकी लिमिट है वो मोर देन 50 वर्ड्स नहीं होनी चाहिए, 50 वर्ड्स के अंडर में ही उसको लिखा जाना चाहिए। और ये अब जो बोर्ड जिनने जो फॉर्मेट जारी किया है, बोर्ड ने जो फिलहाल में रिड्यूस्ड सिलेबस के अनुसार जो जारी किया है डायरेक्टिव, उसमें 3 मार्क्स का है। और जब ये 3 मार्क्स का है तो बहुत ईजी लिखना, बड़े आराम से लिख दोगे आप, ग्रामर की कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, केवल जो जो रिक्वायरमेंट है वही तो लिखनी है, तो उसको बड़े आराम से लिखा जा सकता है। तो ये बहुत ही, अब मैंने यहाँ पर एक देखिए क्वेश्चन भी लिखा हुआ है क्या, कि यू आर द पर्सनल मैनेजर ऑफ ए लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी के आप पर्सनल मैनेजर हैं और आपको एक एफिशिएंट पीए की आवश्यकता आपके ऑफिस के लिए, तो इसके लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया इसकी वर्ड लिमिट बता दी कि 50 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऊपर हेडिंग डालते हैं क्या, सिचुएशन वेकेंट। सिचुएशन वेकेंट हमने हेडिंग डाल दी इसको, और ये कहाँ, बोल्ड लेटर्स में होनी चाहिए, लगभग बीच में होनी चाहिए, बिल्कुल मिडिल में होनी चाहिए ये सिचुएशन वेकेंट जो आप डालेंगे, बिल्कुल मिडिल में है, और बोल्ड लेटर्स में होनी चाहिए। और इधर से शुरू करते हैं, किससे, रिक्वायर्ड से शुरू करेंगे हम, रिक्वायर्ड या वांटेड भी लिख देते हैं कि रिक्वायर्ड ए स्मार्ट पी ए फॉर ए लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। यहाँ तक हमने इसको लिख दिया, फिर बाद में यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया। अब यहाँ पर कोई भी ग्रामर का रूल हमने अप्लाई नहीं किया है, कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, केवल क्या लिखा कि हमें एक जो ये लीडिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसमें हम यहाँ पर उसका नाम भी दे सकते हैं, कंपनी का यहाँ पर हम नेम भी दे सकते हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करने के लिए। उसके बाद में फिर क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएट हो, हाँ, एज कितनी हो, 25 से 30 ईयर्स के बीच की हो, इससे ज़्यादा ना हो। फिर टाइपिंग स्पीड उसकी कितनी हो, 60 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड्स। शॉर्ट हैंड स्पीड कितनी हो, 120 वर्ड पर मिनट, ये होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या इसमें दिया गया है कि प्रिफरेंस टू कंप्यूटर हैंडलर्स, जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर लें उनके लिए प्रिफरेंस होगा। सैलरी निगोशिएबल, निगोशिएबल का मतलब आप जान सकते हैं, वांछनीय के अंदर जितनी भी हो सकती है, हाँ, वो सब मतलब कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू द सेटलमेंट, या आप इसमें सैलरी खोल भी सकते हैं कि 25,000 30,000 उसमें इसको एक्सपोज किया जा सकता है। तो उससे ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है कि हमने सैलरी यहाँ पर लिखी या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि सैलरी के बारे में हम बताएंगे ज़रूर कि कितनी सैलरी है। उसके बाद में कि ये सब हमारी जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो बताने के बाद में कि ये सब लिखना है। उसके बाद में फिर एप्लीकेशन कहाँ डालनी है हमको, तो अप्लाई विद कंप्लीट बायोडाटा विद इन 10 डेज एट द गिवन एड्रेस, और एड्रेस दिया होगा, ध्यान रखें क्या दिया होगा, एड्रेस यहाँ पर मैंने डॉट कर दिया, एड्रेस आपको देना होगा, यहाँ पर एड्रेस लिख सकते हैं। तो उस एड्रेस पर आपको 10 दिन के अंदर
आपको अप्लाई करनी है, और इतना लिखने के बाद फिर ये सब बाद में बॉक्स में बनाया जाएगा। और दोस्तों बॉक्स हमेशा बाद में ही बनाना चाहिए, क्यों? क्योंकि कई बार हमारी जो वर्ड लिखने की जो वो हमारा एक्सेंट है वो क्या होता है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, इधर उधर पहुंचता है वो। तो वर्ड ये जो बॉक्स है इसको हमेशा बाद में बनाना चाहिए, और इस पूरे को फिर क्या करना है, हमको बॉक्स में बंद कर देना है। और बॉक्स में बंद कर देना है तो फिर क्या मतलब, 3 मार्क्स पूरे। और क्या चाहिए, 3 मार्क्स पूरे, ना कुछ याद करना कुछ नहीं, एडवर्टाइजमेंट बड़ी आसानी से लिखा जाता है, ठीक है।